हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल केएसएन टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस की अपकमिंग बाइक के बारे में, जो कि है टीवीएस ज़ेपेलिन। इंडियन ऑटो मार्केट में इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार काफी लंबे टाइम से करा जा रहा है, और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि चाइनीज कंपनी ने इस बाइक को हूबहू कॉपी कर लिया है और लॉन्च कर दिया है अपनी काफी सारी चाइनीज मार्केट में। तो क्या अब टीवीएस इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, या फिर अभी भी आपको इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार करना पड़ेगा? तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या यह बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, और अगर लॉन्च होती है तो कौन से मंथ में ये बाइक आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, और बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा, और कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे टीवीएस ज़ेपेलिन में। तो अगर आप आने वाले टाइम में टीवीएस ज़ेपेलिन को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइनीज कंपनी ने इस बाइक के डिजाइन को 90% कॉपी कर लिया है और बाइक को JSX 500i के नाम से लॉन्च कर दिया है अपनी काफी सारी चाइनीज मार्केट में। चाइनीज कंपनी की ये बाइक 47 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा है टीवीएस ज़ेपेलिन से। और यही टीवीएस ज़ेपेलिन की तरफ देखा जाए तो आपको बाइक में 220cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20 से 25 BHP की। इस पावर के साथ ये बाइक 130 से 150 किलोमीटर पर तक टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स की, तो आपको बाइक में डुअल चैनल ABS मिल जाएंगे आपकी सेफ्टी के लिए। 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन रहने वाले हैं बाइक में, और इस बाइक का कंसोल दोस्तों फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम और फ्यूल गेज जैसे सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में गोल्डन अपसाइड डाउन फोक का यूज किया जाएगा, और इसके रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा, जो कि दोस्तों काफी कम क्रूजर बाइकों में देखने को मिलता है। और बात करी जाए बाइक के डिजाइन की, तो इस बाइक का डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम है बाकी सेगमेंट में आने वाली क्रूजर बाइकों से। अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो ये सेगमेंट में आने वाली काफी सारी क्रूजर बाइकों की सेल्स को इजीली डाउन कर देगी, क्योंकि दोस्तों इस बाइक का प्राइस 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर के प्राइस रेंज पर रखा जाएगा, जो कि काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस है बाइक के हिसाब से। बाकी जैसा कि टीवीएस ने अपाचे सीरीज के 2-3 वेरिएंट लॉन्च कर रखे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको टीवीएस ज़ेपेलिन में 2-3 वेरिएंट देखने को मिले सीसी के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीवीएस ज़ेपेलिन के लॉन्च के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इस बाइक के डिजाइन को पूरी तरह से कॉपी कर लिया है एक चाइनीज कंपनी ने, लेकिन अभी टीवीएस की तरफ से उस बात को लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं है। बाय द वे, यहां पर गलती टीवीएस की है, क्योंकि इस बाइक को 4 साल पहले टीवीएस ने रिवील कर दिया था ऑटो एक्सपो में, उसके बाद भी इस बाइक को अभी तक लॉन्च नहीं करा गया है। और मैं आपको बता दूं कि टीवीएस की तरफ से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है ज़ेपेलिन के लॉन्च के बारे में। फिर भी अगर रूमर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको ये बाइक नवंबर से दिसंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों मेरी मानो तो ये बाइक आपको टीवीएस की तरफ से नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 के स्टार्टिंग में या फिर मिड तक लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। और लॉन्च होने पर ये बाइक सीधा सीधा कंपटीशन देने वाली है बजाज अवेंजर 220 क्रूज को और बाकी सेगमेंट में आने वाली क्रूजर बाइकों को। तो बस यार दोस्तों, ये थी आज की वीडियो टीवीएस की अपकमिंग बाइक टीवीएस ज़ेपेलिन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि क्या आपके हिसाब से टीवीएस ज़ेपेलिन को लॉन्च हो जाना चाहिए इंडियन मार्केट में, और क्या टीवीएस को चाइनीज कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं। बाकी दोस्तों आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। We'll be right back.